जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के गांव में एक युवक की उसके ही दोस्त ने लूटने के बाद कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और हत्या कर युवक के शव को आलू के खेत में फेंक कर फरार हो गया। जी हां, जब सुबह घटना की सूचना परिजनों को मिली तो उन्होंने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं युवक को बुलाकर ले गए दोस्त के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस इस संबंध में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, इसके खून से लथपथ थे। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम हिरोली का है। इस गांव के रहने वाले 20 वर्षीय दुर्वेश आलू की खुदाई मजदूरों द्वारा करवाता था और दुर्गेश के पास 20 से 25 हजार रुपए थे, क्योंकि वह लेबर का पेमेंट देने के लिए रखे थे, जिसकी भनक उसके ही गांव के निवासी दोस्त भूरे उर्फ देवा को लग गई, जो दुर्गेश के घर गया और खाना खाते समय गांव में हो रही रासलीला के बहाने उठा कर लिया और हिरोली नगला दुगई रोड पर कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी और उसके रुपए लूट लिया। जी हाँ, पूरी रात दुर्गेश जब घर नहीं लौटा तो देखा कि गांव से 100 मीटर दूरी पर दुर्वेश की रक्त रजत लाश पड़ी हुई है, जिसको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कपड़ों से ही उसकी पहचान की गई और घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घटना की रिपोर्ट नामजद अन्य 3 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज करवाई गई है और वहीं पुलिस ने इस संबंध में नामजद को खून से लथपथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मैं दादा आपका रामेश्वर, कहाँ के रहने वाले हो? नंगला दुगई। अच्छा, ये जो ना हत्या हुई है, किसकी हत्या हुई है और क्यों हुई है हत्या? ये हत्या आप ये दुर्गेश की वही हत्या है, तो वो कल लेबरी के रुपया लेके आया था, 25-30 हज़ार लेबर को पेमेंट करने के लिए, तो उसे वहाँ से शाम को भूरे लिबाटी ले आया कि चल रासलीला लिखे नंगला दुगई। तो यहाँ से बस आए घर से ये पता लग गया कि हाँ वहाँ गया, नहीं गया उसे की माँ को पूछा सवेरे, जब पूछा तो उसने बताया कि भूरे ले गया लिवा के, सवेरे देखा वो मर गया पाया। अच्छा, क्या लगता है इनके पास पैसा था? पैसा इसके 25-30 हज़ार रुपया था, किसी को दिया ना लेबर को दिया अभी और ना किसी कल वसूल करके लाया, 8 दिन के लेबर के पैसे थे। अच्छा, 20-25 लेबर। तो ये ठेकेदारी का काम करते थे? हाँ, ठेकेदारी काम, केवल अपने जिम्मेदारी पर जो ना लेबर को लगा देते थे, जिम्मेदारी ले जाता था और खुद पेमेंट देते थे? खुद पेमेंट देता था। अच्छा, तो क्या सुबह जब लाश देखी तो क्या पैसे निकले उनके जेब में? कोई पैसा नहीं मिला, केवल मोबाइल पड़ा मिला और एक उसका पहचान मिट्टी भी नहीं, किसी ने पहचान पाई, हमने देखा उसी मिट्टी पड़ी वहाँ देखी, जब पहुँची हम भी उधर पहचान पत्र हम देखा ये दुर्गेश का, हम कह विश्वनाथ लड़के का। तो क्या गला रेत के हत्या कर दी क्या? ऊपर से क्या एसिड भी डाला? ये मारी कुल्हाड़ी और ये कुल्हाड़ी है। अच्छा, कुल्हाड़ी काट के इसे खून रक्त था, इसको चेहरा नहीं दिखा रहा था। अच्छा, सरपंच। अच्छा, बिल्कुल। तो ये है कि लूट लिया और उसके बाद मार दिया है? किस गांव के रहने वाले हो? आपके गांव में घटना हो गई, क्या घटना हो गई है? वो मेरे चचिया ससुर थे, उनको सुबह मैंने जानकारी ली, पता चला तो उनको सुनी रात काट डाला। किसने काट डाला? वो भूरा नट ने। ये कहाँ का रहने वाला है? रौली का। वो क्या कोई क्रिमिनल टाइप का है या गुंडा है? अच्छा, हमेशा सबको छेड़खानी करता है, चोरी डकैती करता है। तो फिर उनसे कोई बात हुई थी जो पहले इसलिए काटा? नहीं नहीं, कोई भी अभी आया, वो 2-4 दिन हुए उसको आए। आप जो सूचना मिली है, हाँ, तो आपने पुलिस को अवगत कराया था? तब तक पुलिस आ चुकी थी जब तक हम गए। ताजी कलावती, किस गांव के रहने वाले हो? माता जी, आपके गांव में घटना जो हो गई है, तो क्या घटना हो गई? भूरे लेवाई है हमारे ललाए जी, और लेवाए के रोटी खान नहीं दे उन्हें, तो लेवाई है। भूरा ये कौन है माता जी? ये भूरा नट। अच्छा, किस गांव का रहने वाला है? रौली। अच्छा, क्यों कब ले गया? रासलीला होती वहाँ। नहीं, रासलीला होती थी लेकिन आपके बच्चे को कब ले गया? 8 बजे कल। हाँ, फिर आपको वापस वो घर आया कि नहीं आया? नहीं। अच्छा, तो आपका जो मृतक बच्चा है वो आपको जानकारी कब मिली है कि मेरा बेटा खत्म हो गया? 5 बजे मिली भैया जी। हाँ जी, इसकी क्या कोई रंजिश वगैरह थी? कुछ नहीं, रुपया गड्डी अती देख ले रुपया हमें काटो गो ला ला ला। जनपद मैनपुरी का है, इसमें प्रातः में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 20-22 साल के युवक का मृत शरीर जिस पे चोटों के निशान हैं किसी आलू के खेत में पड़े मिले हैं। उस पे हमारी थाना पुलिस
मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी और तत्काल तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था जिसके हाथ रक्त से सने थे और वो प्राइम एक्यूज़ था और साथ ही साथ परिजनों के द्वारा जो तहरीर मिली है उसमें भी उसका नाम है और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो संदिग्ध हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ जारी है और इसमें शीघ्र ही प्रगति करके सभी को जेल भेजा जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।